हाँ तो फ्रेंड्स, अभी के समय पर यूट्यूब पर कुछ ऐसा वाला थंबनेल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अभी के टाइम पर अपने वीडियोस पर ज्यादा व्यूज एंड ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए तो आपको अपने वीडियो का थंबनेल कुछ अलग लेवल का बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपके थंबनेल पर ज्यादा क्लिक होंगे तो ज्यादा व्यूज एंड ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। इससे आपके पूरे चैनल का ओवरऑल ग्रोथ को इंक्रीज मिलेगा। सो ऐसा ही सेम थंबनेल हम लोग मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर बनाने वाले हैं। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है प्रदीप, जाकर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हां तो फ्रेंड्स, सिंपल सा आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च करना है पिक्सल लैब पिक्चर एडिटर एंड आप लोगों को ऊपर में ही मिल जाएगा। सिंपल सा मैं यहां से ओपन कर लेता हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यहां पे मैं कैंसिल कर लेता हूं। सबसे पहले आप लोग जब भी पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो आप लोगों का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में थ्री डॉट आप लोगों को मिलेगा। वहां पे आप लोगों को सबसे पहले इमेजेस पर क्लिक करना है और कस्टम की जगह पर क्लिक करके आप लोगों को यहां पे यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर लेना है, जहां की 1280x720 पे आप लोगों का होना चाहिए। एंड सिंपल सा क्लिक करके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये जो डिफॉल्ट वाला आपका टेक्स्ट रहेगा उसे यहां से ऊपर में से डिलीट कर देते हैं हम लोग। और सिंपल सा हम लोगों का जो बैकग्राउंड रहेगा उसे हम लोग यहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और इमेज को इंपोर्ट करने के बाद यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा नीचे में आप लोगों को मिल जाता है 16:9 यानी कि 1200x720। सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है और हम लोगों को सिलेक्ट थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर करना है। हम लोग ऊपर पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हम लोग यस पर क्लिक कर लेते हैं। एंड क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है, बीच पर यहां पे नीचे में क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोग देख सकते हैं रियल टाइम साइज के आप लोगों को सिंपल सा 100 पर क्लिक कर देना है। दोनों आप लोगों को 100 करना है। फिर यहां पे ऊपर पर क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोगों को ये इसको लॉक लगाना है। अब आपको अपना PNG फाइल ऐड करना है। यहां पर मैं अपना PNG फाइल को ऐड कर चुका हूं और यहां पर मैं अपना साइज जो है वो 45 या तो 50 आप लोग कर लीजिएगा, जैसा आपका PNG फाइल का रेजोल्यूशन होगा। यहां पे थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूं। साइड करने के लिए यहां पे सिंपल सा क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहां पे आप लोगों को सबसे पहले मिल जाता है स्ट्रोक। यहां पर स्ट्रोक पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और यहां पे व्हाइट वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर मिनिमम 5 स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक देने के बाद इस लेयर को भी मैं यहां से लॉक कर लेता हूं। यहां पर मैंने और एक इमोजी का लेयर ऐड कर लिया है, इसको मैंने पिक्सआर्ट से ऑलरेडी पहले ही धुंधला थोड़ा सा कर लिया हूं, आप लोग कर लेना है। यहां पे सिंपल सा मैं इसको रियल टाइम जो है इसका साइज को मैं इंक्रीज कर लूंगा। इंक्रीज करने के बाद यहां से मैं लेयर को क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा जो कैरेक्टर है उसके नीचे लेके जाना होगा, ठीक है। एंड जाने के बाद मैं यहां पे सिंपल से इसको बैठा देता हूं ताकि यहां पे प्रॉपरली बैठ जाए। यहां पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और यहां पे हम लोगों का ये वाला पूरा सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए फिर से मैं लेयर पे क्लिक करूंगा। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहां पे मैं इसको भी लॉक लगा दूंगा। यहां पर मैंने ब्लैक कलर का शैडो को ऐड कर चुका हूं और ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहां पे कुछ ऐसा रहेगा, इसलिए मैं इसको पहले रोटेट कर लेता हूं। सिंपल सा मैं रोटेट कर दिया हूं। रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोग छोटा कर लीजिएगा, आपके जैसा इमेज रहेगा आपका जैसा मैं रहेगा उसे कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ क्योंकि इस इमेज में जैसा जैसा मेरा ऐड हो रहा है उस हिसाब से ऐड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का भी यहाँ पे शो हो रहा है। इस लेयर को भी मैं लॉक लगा देता हूं और इसी को सेम टू सेम साइड में एडिट वाला क्लिक करिएगा और यहां पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। लेयर को कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग अब छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब साइड वाला हम लोगों को यहां पे ऐड करना है, ठीक है। याद रहे ये वाला फेस तक नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। PNG शैडो जो है वो बैठ गया है, लेकिन कैरेक्टर के ऊपर यहां पे देख सकते हैं कैरेक्टर के ऊपर ब्लैक शैडो आ जा रहा है। तो यहां पे हम लोग सिंपल से लेयर पर क्लिक करेंगे और जो कैरेक्टर रहेगा उसको सबसे ऊपर लेके जाएंगे और जो एक टू PNG रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा अब हम लोग टेक्स्ट को लिख लेते हैं। सिंपल सा मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और टेक्स्ट में डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम लोगों का सिंपल सा आ जाएगा। यहाँ पे थंबनेल लिख लेते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला जो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करना है, इसका नाम है फॉन्ट श्री नेट। देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट आप लोगों को मिल जाता है। इस फॉन्ट पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सिंपल से इसको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे जैसे आपके इमेज में रहेगा उसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे इमेज में कुछ इस टाइप का रह रहा है। फिर सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आप लोगों को कलर पर क्लिक कर लेना है और ग्रेडियंट कलर पर क्लिक कर लेना है। ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको ये जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया रहता है ब्लैक वाला उस पर क्लिक कर लेना है। फिर प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक ब्लैक पर पहले क्लिक कर लेना है। ब्लैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हैं कलर कुछ इस टाइप का आप लोगों को कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला कलर, ओके। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम लोगों को ओके पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं व्हाइट वाला आप लोगों को ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सिंपल से यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। ओके ओके करने के बाद सिंपल सा इसको आप लोग क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोग को यस कर लेना है। यस करने के बाद आप लोगों को स्ट्रोक पर जाना है और स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी यस कर देते हैं। फिर आप लोगों को साइड में शैडो का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी हम लोग इनेबल कर देते हैं। और इनेबल करने के बाद सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं ब्लर रेडियस को एकदम कम कर देना है। फिर यहाँ पे इनेबल कर देना है
और यहाँ पे ऊपर वाला जो रहेगा उसको आप लोगों को 3 पर क्लिक कर देना है, नीचे वाले को 2 पर क्लिक कर देना है, और ऊपर में आप लोगों को कलर सेलेक्ट कर लेना है व्हाइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का थंबनेल का कलर मैच हो चुका है, इसलिए हम लोगों को लेयर पर क्लिक करना है, इसको लॉक लगा देना है, और फिर से एक टेक्स्ट को ऐड करना है जिसमें हम लोगों को लिखना है ऐसे बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक कर देना है, और फिर से हम लोगों को यहाँ पे फॉन्ट पर आना है। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को और एक टेक्स्ट मिल जाता है टोक्यो बोर्ड, सिंपल सा देख सकते हैं ऊपर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंपल सा ओके पर क्लिक करते हैं, और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को इस टेक्स्ट पर सिंपल सा कलर देना है, तो फिर से हम लोग कलर पर क्लिक करेंगे, कलर पर क्लिक करने के बाद ग्रेडिएंट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, और फिर से ये वाला ब्लैक हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम लोगों को प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ब्लैक पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक कर लेना है, और हम लोगों को कुछ ये वाला ग्रीन हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा ये नॉर्मल ग्रीन हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, और एक पे हम लोग को जहाँ पे सफेद रहेगा वहाँ पे फिर से कलर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डार्क ग्रीन वाला सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं कितना डार्क दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे जो ये वाला ग्रीन रहेगा, यानी जो लेफ्ट साइड पर ग्रीन रहेगा, उसको हम लोग स्लाइड करके मिनिमम इतना तक ले आएंगे ताकि वहाँ पे टेक्स्ट में अच्छा सा कलर मैच हो जाए। ठीक है, कुछ इस टाइप का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यस कर लेते हैं। अब हम लोगों को सिंपल से स्लाइड करके हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक दे देते हैं, जो कि 5 में होना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्ट्रोक हम लोगों को 5 पे देना है। फिर शैडो पे क्लिक करेंगे, शैडो पे यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से हम लोगों को और एक टेक्स्ट देना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पे हम लोगों को लिखना है सबसे आसान तरीका, ब्रैकेट देने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ, और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हम लोगों को एक टेक्स्ट देना है, बट यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद फिर से हम लोगों को फॉन्ट पर क्लिक कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट देते हैं बालो रेगुलर, आप लोग जो भी डाउनलोड करना है सिंपल सा डिस्क्रिप्शन पर जाना है, और यहाँ पे मैं कलर इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ आसमानी वाला कलर। ओके, और एक टेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं, और यहाँ पे लिखना है एपी अपने फोन से। करने के बाद यहाँ पे भी हम लोगों को सिंपल सा वही वाला फिर से फॉन्ट ऐड करना है जो कि पहले वाला था बालो रेगुलर वाला। तो मैं यहाँ पे बालो रेगुलर फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने हिसाब से अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लेना है। यहाँ पे मैं यही वाला सफेद रखना है, बट यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रोक पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लेना है। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे ब्लैक या तो व्हाइट सिलेक्ट करते थे, बट यहाँ पे हम लोगों को रेड सिलेक्ट कर लेना है। फिर शैडो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे भी हम लोगों को रेड सिलेक्ट कर लेना है, लाइक कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर मैंने वो थंबनेल ऐड किया है जो कि मैंने पहले बना कर रखा है, जो कि इस थंबनेल पर हम लोग सिखाएंगे कि थंबनेल कैसे बनाएंगे, उसी को हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग जो टेक्स्ट लाए थे, यानी कि जो टेक्स्ट ऐड किए थे, वो सब हम लोगों को लॉक लगाना है, लेयर पर हम लोग लॉक लगाना भूल गए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, आप अपने इमोज के हिसाब से करना है। लेकिन यहाँ पे जो साइज रहेगा हम लोगों को वो 25 रखना है, यहाँ पे हम लोगों को 25 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यस कर लेना है, और यहाँ पे जो इमेज रहेगा उसको स्ट्रोक देना है, तो स्ट्रोक पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे 5 स्ट्रोक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रोक देने के बाद फिर से हम लोगों को और एक इमेज ऐड करना है, तो वो भी इमेज हम लोगों ने ऐड कर दिया है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को वो वाला इमेज को लेयर का लॉक लगाना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे लगाएंगे, इसको कुछ इस टाइप का थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, और इसको भी हम लोगों का जो इमेज रहेगा साइज वो 25 रहना चाहिए, और इसको हम लोग स्ट्रोक पे क्लिक करके स्ट्रोक दे देते हैं। हम लोगों ने पहले ही स्ट्रोक देना सीख गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग 5 स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्लाइड करके, तो ये भी हम लोगों का बैठ चुका है, इसको भी हम लोग लॉक लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का लास्ट इमेज ऐड कर चुके हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा करके, यानी कि इसका इमेज साइज हम लोग जैसे बोले कि 25 रखना है, और इसको भी स्ट्रोक देना है, लेकिन सफ़ेद वाला स्ट्रोक देना है। और यहाँ पे मैं 5 पर स्ट्रोक दे चुका हूँ, और इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ ऊपर में हम लोग लगा देते हैं। तो ये वाला इमोजी मैंने ऐड कर लिया है, ये वाला इमोजी की मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जहाँ पे हम लोगों का टेक्स्ट में था। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग स्ट्रोक दे देते हैं, यहाँ पे स्ट्रोक हम लोग ब्लैक देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। यहाँ पे मिनिमम 2, और शैडो दे देना है आप लोगों को ब्लैक। ओके, शैडो यहाँ पे देख सकते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों का यहाँ पर हम लोगों ने एरो को ऐड कर चुके हैं। एरो को ऐड करने के बाद सिंपल सा आप लोगों को इस जगह पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको उल्टा कर देना है, उल्टा करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर देना है, और इसको आप लोगों को रोटेट कर देना है। ठीक है, आपके इमेज के हिसाब से रोटेट कर देना है, और इसको आप लोगों को कुछ इस टाइप का, और इसको आपका जो कलर है कलर पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को इसको सफ़ेद कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। फिर आप लोगों को शैडो पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे शैडो पर क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसका जो ब्लर रेडियस रहेगा उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का 3 और 2, यहाँ पे ऊपर वाला 3 रखना है और नीचे वाला 2 रखना है, ताकि देख सकते हैं अब हम लोगों का फुल्ली इमेज कंप्लीट हो चुका है। अगर थंबनेल में कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस थंबनेल को बनाने में जितने भी PNG एंड फॉन्ट यूज किए गए हैं वो सारा डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बाकी पिक्सल लैब में न्यू फॉन्ट ऐड करना है तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक करो। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।